दोस्तों, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेन सिंह है। आपने लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड एंड एनहाइड्राइड, इन तीन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, एस्टर के बारे में पढ़ना है, एस्टर का नेमिंग पढ़ना है, और क्या पढ़ना है अपने को, अमाइड पढ़ना है, एसिड हैलाइड पढ़ना है और साइनाइड पढ़ना है। तो देखो, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखो यार मैंने हेडिंग डाला है आपका एस्टर। अब देखो ध्यान से सुनना, आपका एस्टर क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एस्टर। तो ध्यान से सुनते रहना हर एक चीज़, ठीक है। इस वाले ग्रुप को हम एस्टर बोलते हैं। अभी आगे और मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। तो देखो यार, बनता कैसे ये कि आपके पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो, आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर देखो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटाऊँ, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं OH हटाऊँ, ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ OH, ठीक है, और एडिशन ऑफ OR, ठीक है। आपका कहना होगा कि सर आप H हटा के आप R लगा दो, ठीक है, तो उसके बारे में भी डिटेल में हम जब चैप्टर एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो अभी बस बेसिक समझ लो आप, ठीक है, R C डबल बॉन्ड O O R, ये समझ में आया, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। अब देखो ये क्या आपका एस्टर। अब देखो ध्यान से सुनना यार कि R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ये। अब देखो, जो आपका ऑक्सीजन से जुड़ेगा, जो आपका ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ेगा उसको बोलते हैं हम अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। ध्यान से सुनो, जो आपका ग्रुप ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप। अब देखो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स देखो, हम एस्टर की बात कर रहे हैं, एस्टर का प्रीफिक्स क्या होता है आपका, दो प्रीफिक्स होते हैं, कब कौन सा इस्तेमाल करना मैं बताऊंगा। तो देखो पहला है आपका एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अब देखो दूसरा है आपका एल्केनोइल, एल्केनोइल ऑक्सी। तो देखो मैंने आपको ये भी बताया कब कौन सा आपको इस्तेमाल करना है, ये मैं स्पेसिफाई करूंगा जब आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको मैंने दो प्रीफिक्स बताए, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्केनोइल ऑक्सी, क्लियर है, गुड। अब देखो अब हम बात करने वाले हैं सफिक्स की। तो देखो सफिक्स भी इसके दो हैं, ओएट एंड कार्बोक्साइलेट, ठीक है। तो देखो यार कब इस्तेमाल करना है, जब देखो इसका फंक्शनल ग्रुप का ये वाला कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होगा तो ओएट, अगर इंक्लूड नहीं होगा तो कार्बोक्साइलेट, क्लियर है। तो देखो सफिक्स क्या है इसके दो, ओएट एंड कार्बोक्साइलेट। अब देखो अगर मैं आयुपैक नेम के बारे में बात करूँ, आयुपैक नेम के बारे में ध्यान से सुनते रहना। तो देखो यार, जो कार्बन आपका, जो ग्रुप या कार्बन जो आपका ऑक्सीजन से जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। तो पहले वो लिखा जाता है सबसे, तो देखो अल्काइल, ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, एल्केनोइड, एल्केनोइड। देखो ये तो एल्केन से आया और ये कहाँ से आया, ओएट, ये वाला, क्लियर है, ठीक है। दूसरा देखो अल्काइल, एल्केन, और देखो ये कार्बोक्साइलेट, कार्बोक्साइलेट, क्लियर है। देखो बहुत आसान चीज़ मैंने बोला आपको कि देखो प्रीफिक्स क्या है इसका, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्केनोइल ऑक्सी। सफिक्स क्या है इसका, ओएट या कार्बोक्साइलेट। कब कौन सा इस्तेमाल करना मैंने आपको बताया, जब ये वाला कार्बन आपका इंक्लूड होगा मेन चेन में तो ओएट, अगर इंक्लूड नहीं होगा तो कार्बोक्साइलेट, क्लियर है। जो आपका ग्रुप या जो भी ग्रुप होगा या कार्बन होगा, ठीक है, अगर वो आपका ऑक्सीजन से जुड़ा है उसको बोलेंगे हम अल्काइल ग्रुप। तो आयुपैक नेम लिखते हुए, ठीक है, आयुपैक नेम लिखते हुए सबसे पहले हम अल्काइल ग्रुप लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अल्काइल ग्रुप। तो देखो मैंने क्या लिखा, अल्काइल एल्केनोइड, अल्काइल एल्केन कार्बोक्साइलेट। अब देखो यार इधर ध्यान से सुनना कि देखो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो ध्यान से कि ये आपका जो ग्रुप है मिथाइल, यही आपका ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो बोलो इसका नाम क्या है आपका, पहले आप इसका नाम लिखो अल्काइल का, तो मिथाइल। इधर कितने कार्बन आपके, एक, तो बोलो क्या आएगा, एक कार्बन पे ये इंक्लूड है, इंक्लूड है, ठीक है, तो बोलो क्या आया, मिथेनोइड, मिथेनोइड, क्लियर है, गुड। अब देखो इधर, इधर देखो ऑक्सीजन से आपका मिथाइल जुड़ा है, इधर कितने कार्बन आपके, एक दो, तो बोलो क्या आया, तो आपने लिखा पहले मिथाइल। देखो ऑक्सीजन से जो जुड़ा है ग्रुप वो अल्काइल ग्रुप होता है, उसको हम पहले लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। फिर वन टू, बोलो कितने कार्बन है आपके, दो, तो बोलो मैं क्या लिखूँ, इथेनोइड, इथेनोइड, गुड। अब इधर बोलो,
ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है आपका प्रोपाइल, कितने कार्बन है, एक दो तीन। देखो जहाँ पर आपका एक कार्बन हो उसको बोलते हैं मिथाइल, अगर यहाँ पर दो कार्बन होते तो उसको बोलते हैं इथाइल, अगर इधर तीन कार्बन हो उसको प्रोपाइल। तो देखो यार, तो मैं क्या लिखूँ, प्रोपाइल देन 1, 2, 3, उसके बाद में बोलो क्या लिखें हम, प्रोपेनोइड, प्रोपेनोइड, क्लियर है, गुड। अब इधर देखो, देखो जरूरी नहीं है अल्काइल ग्रुप आपका हर बार इधर ही आए, इधर भी आ सकता है। तो देखो यार, ऑक्सीजन से आपका ये क्या जुड़ा है, इथाइल। तो यही मैंने आपको समझाया, जरूरी नहीं आपका अल्काइल ग्रुप इधर आए, इधर भी आ सकता है। तो देखो इधर आया तो बोलो क्या आया, इथाइल लिखा। फिर उसके बाद बोलो मैं क्या लिखूं, 1, 2, 3, 4, तो बहुत आसान चीज है। तो बोलो नाम क्या आया, ब्यूटेनोइड, गुड। अब इधर बोलो, देखो ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है आपका, ये ब्यूटाइल। देखो कितने कार्बन है इसमें, चार। देखो चाहे इधर जितना भी कार्बन हो, चाहे इधर देखो इधर से ज्यादा कार्बन है, कितने है? चार। इधर कितने आपके, दो, लेकिन फिर भी ये अल्काइल ग्रुप है और पहले लिखा जाएगा। अल्काइल ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैंने आपको समझाया, जो आपका ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा है उसको बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। तो बोलो इसका नाम क्या आया, ब्यूटाइल इथेनोइड, इथेनोइड। तो देखो यार ध्यान से सुनता है, एक और बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको, कि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, तो एस्टर को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड, ठीक है। तो देखो यार एस्टर क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, क्योंकि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहा है। अब देखो कैसे बना, मैंने आपको ये समझाया, जो ऑक्सीजन से जुड़ा है डायरेक्टली उसको अल्काइल बोलते हैं, उसको आयुपैक नेम में पहले लिखते हैं। प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनाइल एल्केनोइल ऑक्सी, सफिक्स ओएट या कार्बोक्साइलेट, कब इस्तेमाल होगा, जब ये वाला कार्बन इंक्लूड हो, कब इस्तेमाल होगा, जब ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं हो, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं हो। आयुपैक नेम अल्काइल एल्केनोइड, अल्काइल एल्केन कार्बोक्साइलेट। अब इधर देखो, ये भी आपका एस्टर है, एस्टर है, वेरी गुड, ठीक है। अभी ये मत बोलना सर ये इधर आपका कार्बन से नहीं, इधर हाइड्रोजन भी चलेगा, ठीक है। तो देखो यार ये क्या है आपका मिथाइल, और ये क्या है आपका मिथेनॉइड, इधर क्या है आपका मिथाइल, ऑक्सीजन से मिथाइल जुड़ा है, इसका इथेनॉइड, इधर प्रोपाइल प्रोपेनॉइड, और इधर क्या है आपका इथाइल ब्यूटेनॉइड, ब्यूटाइल इथेनॉइड। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग ध्यान से, देखो मैंने जीके भी लिखा है, अब देखो ध्यान से देखना कि हम एस्टर में प्रीफिक्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखो ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या आपका एस्टर, तो बोलो किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है, तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो देखो वन पे आपका इसको मैंने हाई प्रायोरिटी दिया, 1, 2, 3, 4। अब देखो ध्यान से सुनना कि देखो मेन चेन से आपका एस्टर किससे जुड़ा है, आपका ऑक्सीजन से। तो देखो यार इसका नाम क्या आता है, ध्यान से सुनना, पहले इसमें कार्बन काउंट करो, 1 और आपका 2 आपका 3। आई होप ये क्लियर है, दोबारा से मैं समझा देता हूँ, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका सफिक्स की तरह काम करेगा, एंड एस्टर किसकी तरह काम करेगा, आपका प्रीफिक्स की तरह। अब देखो ध्यान से देखो यार, देखो एस्टर में देखो आपका, देखो ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ से भी जुड़ सकता है, ये आगे बताऊंगा इसमें। तो देखो यार ध्यान सुनना, तो देखो क्या आया, देखो मेन चेन में फोर्थ पोजीशन पे ये जुड़ा है, तो देखो इसका नाम क्या आएगा, 1, 2, 3। तो देखो यार इसका नाम आया आपका प्रोपेनोइल, प्रोपेनोइल ऑक्सी। जब आपका लिंकेज मेन चेन में कहाँ से हो, आपका ऑक्सीजन से, तब आप क्या इस्तेमाल करोगे, एल्केनोइल ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी। अब उसके बाद में बोलो मैं क्या लिख दूं, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, क्लियर है, गुड, ठीक है। देखो एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बोलो किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, आपको पता है किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है। अब इधर देखो, तो यार इधर आपका कहां से जुड़ा है, सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा है। तो देखो यार ध्यान सुनना, अब देखो इधर क्या आएगा आपका, तो देखो फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या जुड़ा है, इथॉक्सी, इथॉक्सी, इथॉक्सी क्यों बोला, 1, 2, ठीक है, 1, 2, इथॉक्सी कार्बोनाइल। तो देखो कार्बोनाइल, तो यार मैंने आपको समझाया था, तो ध्यान से सुना हर एक चीज, कि एस्टर के मैंने आपको दो प्रीफिक्स बताए थे, एक तो मैंने बताया था एल्कोक्सी कार्बोनाइल, दूसरा मैंने आपको बताया था एल्केनोइल ऑक्सी। तो देखो यार जब आपका ऑक्सीजन से लिंकेज होगा मेन चेन में, तब क्या लिखोगे आपका, एल्केनोइल ऑक्सी।
जब आपका सी डबल बॉन्ड ओ से होगा तब क्या लिखोगे आप, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। तो देखो यार दो कार्बन है इथॉक्सी, इसके लिए कार्बोनाइल। अब इसके लिए मैं क्या लिखूं बोलो, इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है यार, गुड वेरी गुड। ठीक है अब देखो ध्यान से, तो जीके भी क्लियर हुआ। अब देखो अब हम अपना नेक्स्ट नेमिंग पढ़ेंगे किसका, एसिड हैलाइड का। तो देखो यार एसिड हैलाइड क्या होते हैं, तो यार ऐसा स्ट्रक्चर को हम एसिड हैलाइड बोल रहे हैं। देखो नाम से कुछ चीजें पता चल रही होंगी, एसिड हैलाइड तो बोलो बनेगा किससे, एसिड से। तो देखो R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O हेलोजन, X का मतलब क्या है आपका हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब देखो यार ध्यान सुनना कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने OH हटाया, आपने एलिमिनेशन ऑफ OH किया प्लस एडिशन ऑफ आपने X किया, तो बोलो क्या बना, R C डबल बॉन्ड O और ये आपका X, X इज इक्वल टू आपका हेलोजन। तो देखो ये क्या बन गया आपका एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, ध्यान से सुनना एसिड हैलाइड। तो देखो यार ये वाला कार्बन आपका कहाँ से आ रहा है, एसिड से, ये हेलोजन आपका क्या है आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब यार एक चीज समझना कि एसिड हैलाइड किससे बन रहा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहा है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ध्यान से कि देखो इसका प्रीफिक्स क्या है, देखो प्रीफिक्स क्या है इसका, हेलो कार्बोनाइल, क्या प्रीफिक्स है इसका, हेलो कार्बोनाइल। और देखो सफिक्स क्या है इसका, ध्यान से सुनना, देखो क्या है, ऑयल हैलाइड या फिर कार्बोनाइल हैलाइड। और मैंने आपको ये समझाया कब कौन सा इस्तेमाल करना है, ऑयल हैलाइड कब इस्तेमाल करना है, जब ये वाला कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड हो। कार्बोनाइल हैलाइड कब इस्तेमाल करना है, ये वाला कार्बन जब आपका मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो। अब देखो ध्यान से अगर मैं आयुपेक नेम बताना चाहूँ आगे, तो देखो एल्केन ऑयल, मैंने ये देखो जो ऑयल था मैंने ये लास्ट में जोड़ दिया, उसके बाद में क्या लिखा हैलाइड, या फिर देखो दूसरा हो सकता है आपका एल्केन कार्बोनाइल हैलाइड। क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है तो देखो यार इधर आपका एक कार्बन, एक कार्बन, ठीक है तो बोलो यार एक कार्बन, ये क्या आपका क्लोरीन, तो बोलो यार नाम क्या लिखना था आपका, आपको देखो सफिक्स क्या था, ऑयल हैलाइड एंड कार्बोनाइल हैलाइड। ऑयल हैलाइड कब लिखना था, जब आपका कार्बन इंक्लूड हो, तो बोलो इंक्लूड है, तो बोलो क्या आया कि देखो मीथेन ऑयल, मीथेन ऑयल क्लोराइड, क्लोराइड क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि देखो सी एल आया। क्लियर है, गुड। देखो वन टू, क्लियर है। अब बोलो ध्यान से कि देखो क्या नाम आएगा, कितने कार्बन है इसमें, दो, तो मैं क्या लिखूँ, इथेनॉयल, इथेनॉयल ब्रोमाइड, इथेनॉयल ब्रोमाइड। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। अगर आपको प्रीफिक्स सफिक्स याद है अच्छे से तो सब चीज़ आसान है। अब देखो ध्यान से कि देखो इधर से मैं नंबर ही करूँगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हाई प्रायोरिटी। तो बोलो कितने कार्बन है इसमें, तो आपको पता चलेगा तीन कार्बन, तो बोलो क्या लिखूँ मैं, प्रोप, ठीक है। उसके बाद में टू पे क्या है आपका डबल बॉन्ड, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा इन, ठीक है। उसके बाद में देखो वन पे क्या आ रहा है आपका ऑयल, ठीक है, वन पे क्या आ रहा है ऑयल, ठीक है। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आपका किस पे आ रहा है आपका वन पे, तो देखो वन पे क्या लिखा मैंने ऑयल। उसके बाद मैं क्या लिखूँ बोलो, ब्रोमाइड। क्लियर है। अब देखो ध्यान से सुनना यार कि देखो किससे स्टार्ट हो रहा है आपका, ओ से, तो बोलो ई हटा दूं, ई हटा दिया मैंने, ठीक है। तो देखो यार ध्यान से समझते रहना, मैं ऐसे हटा देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। तो देखो मैं इसको ऐसे और भी तरीके से लिख सकता हूं कि प्रोप टू ई एन ओ बाई एल, ठीक है, ब्रोमाइड। तो ये मैंने आपको नाम लिखा, तो बहुत आसान चीज़ बोली मैंने कि देखो सफिक्स क्या, ऑयल हैलाइड या कार्बोनाइल हैलाइड। अब देखो ऑयल हैलाइड कब आएगा, जब आपका कार्बन आपका इंक्लूड हो, इंक्लूड हो, इंक्लूड हो। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से ये क्या आपका बेंजीन, ठीक है, ये आपका बेंजीन। अभी देखो ये आपका बेंजीन में इंक्लूड नहीं है, तो देखो इसका नाम क्या है, बेंजीन कार्बोनाइल, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, क्लोराइड। बहुत आसान चीज़ बोली है मैंने। देखो सी डबल बॉन्ड ओ को बोलते हैं हम कार्बोनाइल, इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, क्लोराइड। इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, बेंजीन, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। अब देखो ये आपको समझ में आया, ठीक है, आपको मैंने समझा, वन को लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बन देखो इंक्लूड हो रहा है फंक्शनल ग्रुप को, तो क्या आया ऑयल, उसके बाद में बी आर है तो ब्रोमाइड, अगर आयोडीन होता तो आयोडाइड। अभी इसके और क्वेश्चन कराऊंगा, आगे बढ़ते हैं, हमने क्वेश्चन लिखे कई सारे। तो देखो यार ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी आप ज़्यादा दोगे, पहले से मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो देखो उसके बाद में आपको सारे रूल अप्लाई करने हैं। तो देखो यार ये मैंने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो देखो क्या आया आपका, तो देखो सिक्स पे आया आपका मिथाइल,
देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, तो मैं क्या लिखूँ, हेप्ट। उसके बाद में 4 पे क्या रहा आपका, डबल बॉन्ड। उसके बाद में 2 पे क्या रहा आपका, ट्रिपल बॉन्ड। देन 1 पे क्या रहा, ऑयल, ठीक है, क्लोराइड। देखो ऑयल क्यों लिखा है, आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो मेन चेन में इंक्लूड है। अब देखो ध्यान से सुनना, तो ये ई है आपका, ठीक है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है आपका, 22 से, तो देखो ये हट जाएगा। अभी ध्यान से सुनना, देखो ये आपका ई है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है आपका, ओ से, तो देखो ये भी हट जाएगा। आई होप क्लियर है। देखो ई है, 22 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एलिमिनेट होगा, ठीक है, तो देखो मैं हटा देता हूँ, इसके बाद में ये भी हटा देंगे। अब देखो ध्यान से इधर बोलो, ये क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या आपका एसिड हैलाइड, और ये भी क्या आपका एसिड हैलाइड, बोलो किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा प्रायोरिटी है, अगर उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है तो वो काम करेगा एज ए सफिक्स की तरह, और एसिड हैलाइड एज ए प्रीफिक्स की तरह। तो देखो ध्यान से कि 1, 2, 3, 4, 5, और ये तो प्रीफिक्स है, तो बोलो 5.5 डाई, ठीक है। अब देखो एसिड हैलाइड का प्रीफिक्स क्या था, हेलो कार्बोनाइल, तो देखो इसमें हेलो क्या है, क्लोरो, कि क्लोरो कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5, तो मैं क्या लिख दूँ, पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना सदैव, कि कब एलिमिनेट ई करते हैं, कब आप एलिमिनेट ई नहीं करते हैं। अब देखो ये क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या आपका एसिड हैलाइड, तो बोलो किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। आपको पता कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो देखो मैं पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, उसके बाद में एसिड हैलाइड को। तो देखो 3 पे क्या है आपका, क्लोरो, ठीक है, कार्बोनाइल, क्लोरो कार्बोनाइल। देन बोलो, देन आपको पता है साइक्लो प्रोपेन 1.2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा है, क्योंकि मेन ग्रुप का कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड नहीं है। तो देखो 3 क्लोरो कार्बोनाइल, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन 1.2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं है, ये वाला भी कार्बन आपका इंक्लूड नहीं है। तो आई होप ये क्लियर हुआ है। देखो ये आपका प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, मैं लिख देता हूँ, ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा था आपका इधर, और ये भी प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा था इधर भी, आपका ये कैसे काम करेगा आपका प्रीफिक्स की तरह। अब देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने फंक्शनल ग्रुप पे, तो देखो वो क्या आपका अमाइड। तो ध्यान से सुनना यार, अमाइड देखो किसको बोलते हैं, कि अगर आपके पास में ये एसिड है, एसिड से आपने OH हटा दिया, क्या हटाया आपने OH, तो OH हटाने के बाद में यार OH हटाया आपने, अगर एडिशन ऑफ आपने NH2 किया, देखो नेगेटिव का मतलब क्या एलिमिनेशन और पॉजिटिव का मतलब क्या एडिशन, तो देखो NH2 ऐड किया, तो देखो क्या बना, तो यार ये बना आपका अमाइड, क्या बना आपका अमाइड, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यार अमाइड को भी हम क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड, क्योंकि देखो ये भी किससे बन रहा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड से, मैं लिख देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्या बन गया आपका अमाइड, OH को हटाया, NH2 को जोड़ा। अब देखो हम आगे बात करते हैं, इसका देखो प्रीफिक्स क्या है, कार्बो अमाइल, कार्बो अमाइल। सफिक्स क्या है, अमाइड या कार्बोक्सामाइड। देखो मैंने आपको ये मैंने आपको बताया, जब भी सफिक्स में अगर आपका कार्बन आ रहा है, ठीक है, आपका सी आ रहा है, सॉरी आप अगर आपका सी आ रहा है, तो वो पता कब यूज करना है, जब आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब आपका मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो। अब देखो ये अमाइड आया, अमाइड कब इस्तेमाल करना है आपको, जब आपका ये वाला कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड हो। कार्बोक्सामाइड कब इस्तेमाल करना है, जब आपका ये वाला कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो। अब देखो ध्यान से IUPAC नेम की बात करता हूँ मैं, तो देखो एक नेम क्या होगा एल्केनमाइड, ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका एल्केन कार्बोक्सामाइड, क्लियर है, गुड। देखो जो भी सफिक्स होते हैं उनको हम लास्ट में ऐड कर दो, लेकिन एलिमिनेशन ऑफ ई का ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ ई हटा दिया है, ये आपका सी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने ई नहीं हटाया। कब ई हटाते हैं, ए ए आई ओ यू, ठीक है, ई को हटाते हैं, तो ई को हटाया मैंने, और बाई को ऐसे, तो जब ये आते हैं, ठीक है, इधर सेकेंडरी सफिक्स में, तब हम प्राइमरी सफिक्स का एलिमिनेशन ऑफ ई कर देते हैं। अब देखो ध्यान से
इधर देखो कितने कार्बन, आपके एक कार्बन, तो बोलो इसका नाम क्या क्या है आपका, मीथेनामाइड, मीथेनामाइड। और देखो इसका देखो जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम है आपका फॉर्मामाइड। ये जो कॉमन नेम लिख रहा हूँ आपको याद रखने हैं, ठीक है। कॉमन नेम क्या, और भी मैं आपको लिस्ट में कराऊंगा कि देखो इसका आपका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मामाइड। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो कितने कार्बन है आपके, दो। और देखो मेन चेन में ये आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आपका इंक्लूड है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, अमाइड। अब बोलो इसमें कितने कार्बन है आपके, दो। तो इथेन अमाइड, ठीक, इथेन अमाइड। देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो ये हटा दूँ। देखो इधर भी मैंने ये हटाया, तो देखो और अच्छे से लिखता हूँ मैं, इथेनामाइड। और देखो इसका जो कॉमन नेम है एसीटामाइड, एसीटामाइड। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो प्रीफिक्स क्या बताया, कार्बोअमाइल। सफिक्स क्या बताया, अमाइड या कार्बोक्सामाइड। दोनों में डिफरेंस बताया, कब कौन सा इस्तेमाल करना है, अमाइड कब इस्तेमाल करना है जब ये वाला कार्बन इंक्लूड हो मेन चेन में, कार्बोक्सामाइड कब इस्तेमाल करना है जब ये वाला कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो। आईयूपैक नेम मैंने समझाया, एलिमिनेशन ऑफ ई कब करते हैं ये मैंने आपको हाईलाइट किया, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या, फॉर्मामाइड, दो कार्बन होंगे, ठीक, उसका नाम क्या आपका, एसीटामाइड, इस स्ट्रक्चर का। और ये आपको क्लियर है। देखो यार ध्यान से, अभी हम अमाइड का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो ध्यान से सुनते रहना कि मैंने आपको बोला था कि R C डबल बॉन्ड O और NH2, इसको हम क्या बोल रहे थे, अमाइड। अब देखो ध्यान से सुनना, ये वाला ग्रुप आपका अमाइड होता है अगर देखो नाइट्रोजन आपका एक कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है डायरेक्टली। देखो नाइट्रोजन अगर आपके एक कार्बन के साथ में डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, वो भी देखो नाइट्रोजन किसके साथ में होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O के साथ में। तो देखो ये क्या आपका 1 डिग्री अमाइड। अगर देखो ध्यान से कि अगर आपका नाइट्रोजन, ठीक है, डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से, तो देखो यहाँ पर भी कार्बन है और R का मतलब क्या है, इधर भी आपका कार्बन है, ठीक है। तो बोलो ये क्या हुआ आपका 2 डिग्री अमाइड, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर देखो मैं एक बार एक और हाइड्रोजन एटम को हटा के मैंने R लगा दिया, तो देखो पहले मैंने एक हाइड्रोजन एटम को हटा के R लगाया, इसको भी हटा के मैंने R लगा दिया, तो बोलो ये क्या हुआ आपका 3 डिग्री अमाइड। तो अगर मैं अमाइड की क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये अमाइड बन गया आपका। ध्यान से सुनना, C डबल बॉन्ड O के साथ में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, अगर आपका एक कार्बन के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 डिग्री, दो कार्बन के साथ में तो आपका 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीन कार्बन के साथ में है तो आपका 3 डिग्री। अब देखो ये आपको अमाइड कितने डिग्री दिख रहा है आपका, 2 डिग्री। तो देखो ये जो आपका नाइट्रोजन से ये मिथाइल जुड़ा है, तो देखो यार इसको लिखते कैसे हैं कि देखो नाइट्रोजन पे आपका मिथाइल, तो एन मिथाइल, क्लियर है। देखो एन मिथाइल, अब देखो इधर नंबरिंग कर लो 1 2, ध्यान सुनना, तो बोलो ये क्या है आपका, इथेनामाइड, इथेनामाइड। अब देखो ध्यान से, ये तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है ये सी डबल बॉन्ड O, इसको तो नंबरिंग आपको बंद देना है, ठीक है, समझ रहे हो ना अच्छे से। बोलो अब देखो नाइट्रोजन पे आपका 2 मिथाइल लगा, क्या लगा आपका, 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल लगा, तो बोलो मैं इसका नेमिंग क्या करूँ, तो देखो एन कॉमा एन डाई मिथाइल, एन को आपको ऐसे मानना है कि ये आपका न्यूमेरिकल आपका नंबर है, तो देखो यार। और उसके बाद में क्या है आपका, इथेनामाइड, इथेनामाइड, बहुत आसान चीज़ है। अब देखो ध्यान से कि देखो एन पे क्या है आपका इथाइल, एन पे क्या है आपका मिथाइल, तो बोलो अल्फाबेटिकल में कौन पहले आएगा, इथाइल, तो बोलो क्या लिखूँ पहले मैं, तो देखो मैं लिखूँगा एन इथाइल, देन एन मिथाइल, उसके बाद में बोलो ये वाला फंक्शन 1 2, देखो पूरे को अमाइड बोलते हैं, पूरे को अमाइड बोलते हैं, इसको पूरे को अमाइड बोलते हैं, ऐसा नहीं इसको ही अमाइड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बाद में क्या है आपका, इथेनामाइड, क्लियर है, गुड। अल्फाबेटिकल में इथाइल पहले है तो उसको मैंने पहले लिखा है, मिथाइल को मैंने बाद में लिखा। अब देखो ध्यान से, नाइट्रोजन से देखो इधर कितने कार्बन जुड़े हैं आपके, 4, तो देखो 4 कार्बन का मतलब क्या होता है आपका, ब्यूटाइल। इधर क्या जुड़े हैं आपके, 2, उसका मतलब क्या होता है आपका, इथाइल। और देखो ये तो आपका मेन चेन है, देखो मेन चेन में चाहे कार्बन आपके कम हो लेकिन उसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हाई प्रायोरिटी मिलती है, तो बोलो आपका एन ब्यूटाइल पहले अल्फाबेटिकल में पहले आएगा या फिर आपका इथाइल, तो आपको पता है एन ब्यूटाइल पहले आएगा, देन आपका एन इथाइल आएगा, उसके बाद में बोलो क्या है आपका, इथेनामाइड, क्या है आपका, इथेनामाइड। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, बोलो इधर कितने कार्बन, 2, इधर कितने, 1, तो बोलो इधर ये आपकी मेन चेन में 1 2 3
चार। तो बोलो क्या आया, एन पे क्या लिख दूँ मैं, इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल में एन इथाइल पहले आएगा मिथाइल से, उसके बाद मैं एन पे क्या लिखूँ मैं, मिथाइल, देन मैं क्या लिखूँ, चार कार्बन है, चार कार्बन पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, क्लियर है, ई है यहाँ, आई होप भावना समझ जाना। अब देखो मैंने आपको समझाया इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब देखो ये वाला कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो बोलो इसका नाम क्या है आपका, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सा, ठीक है, कार्बोक्सामाइड। देखो मैंने आपको समझाया था अमाइड कब इस्तेमाल करना है, जब आपका मेन चेन में जब आपका कार्बन इंक्लूड हो फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है, अमाइड का। कार्बोक्सामाइड कब इस्तेमाल करना है, जब आपका मेन चेन में कार्बन इंक्लूड नहीं हो। तो देखो ये आपका बेंजीन, ये आपका अमाइड ग्रुप, ये वाला कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो कार्बोक्सामाइड। अब देखो इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसकी कम प्रायोरिटी है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका अमाइड है, तो बोलो ये इस्तेमाल होगा सफिक्स की तरह, ये आपका प्रीफिक्स की तरह। तो बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बोलो 3 पे क्या है। अब देखो अमाइड का आपका प्रीफिक्स क्या था, कार्बो अमाइल, कार्बो अमाइल, तो देखो 3 पे क्या है, कार्बो अमाइल, देन देन आपका ये एसिड बचा है, तो एसिड की नेमिंग कर लो, बोलो क्या आया, साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत आसान चीज़ था। देखो ये आपका इस्तेमाल हुआ है एज ए प्रीफिक्स की तरह, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, ये प्रीफिक्स की तरह और ये आपका सफिक्स की तरह, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी वो आपका इस्तेमाल करेंगे सफिक्स की तरह, जिसकी कम प्रायोरिटी प्रीफिक्स की तरह। देखो ये आपका बेंजीन, ये आपका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो ये आपका क्या इस्तेमाल किया, आपका कार्बोक्सामाइड। अब देखो एन पे इथाइल आया, एन पे मिथाइल आया, ब्यूटेनामाइड, चार कार्बन, एन पे ब्यूटाइल आया, एन पे क्या इथाइल, एन ब्यूटाइल अल्फाबेटिकल में पहला आया कंपेयर टू इथाइल से इथेनामाइड। अब देखो 1 डिग्री अमाइड मैंने बताया एक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट, 2 डिग्री 2 से, 3 डिग्री 3 से, ये मैंने आपको समझाया। अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आपका साइनाइड, तो देखो साइनाइड के बारे में हम देखते हैं, तो देखो मैंने हाईलाइट किया साइनाइड को, तो देखो R सिंगल बॉन्ड CN, तो देखो R का मतलब इधर कार्बन होगा, कार्बन से डायरेक्टली आपका कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तो उसको बोलेंगे हम साइनाइड। देखो यार ध्यान से, ये मैंने साइनाइड लिखा है, अपना अपना नेक्स्ट अभी है, देखो यार ध्यान से, ये अपना साइनाइड है मैंने हाईलाइट किया, अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम साइनाइड पढ़ने वाले हैं। तो देखो R सिंगल बॉन्ड CN, अगर देखो कार्बन डायरेक्टली कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो उसको बोलेंगे हम साइनाइड। अगर देखो उल्टा होता, जैसे कि देखो R, ठीक है, ये NC, तो देखो ये वाला नाइट्रोजन आपका कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, तो देखो इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बन डायरेक्टली कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, इसका देखो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो यार ये कौन सा ग्रुप है आपका, साइनाइड ग्रुप या फिर नाइट्राइल भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना हर एक चीज़ यार, कि देखो ये मैंने हाईलाइट किया, ये मैंने हाईलाइट किया, तो देखो इसका प्रीफिक्स क्या है आपका, साइनो, क्या प्रीफिक्स है इसका, साइनो, सफिक्स क्या है आपका, नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल। बोलो नाइट्राइल कब इस्तेमाल करोगे, जब उसका CN का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो, और कार्बोनाइट्राइल जब उसका मेन चेन में कार्बन इंक्लूड नहीं हो, ठीक है। IUPAC नेम एल्केन नाइट्राइल या फिर एल्केन कार्बोनाइट्राइल, और मैंने पहले ही बता दिया आपको नाइट्राइल एंड कार्बोनाइट्राइल कब इस्तेमाल करना है। देखो और भी मैं तुमको एक और बार बता देता हूँ, जहाँ पर भी सी आए सफिक्स में, वो आपको कब इस्तेमाल करना है, जब आपका फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, अदरवाइज और के लिए आपको क्या करना है कि वो मेन चेन में इंक्लूड है इसके लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि देखो इसमें एक कार्बन, बोलो मेन चेन में इंक्लूड है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो बोलो मैं क्या लिखूँ, मीथेन, 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हो, ठीक है, और नाइट्राइल भी लिख सकते हो, 1 को आप, मैंने बताया आपके पास में ऑप्शन है। अब बोलो इधर 1, 2, तो बोलो क्या है, इथेन नाइट्राइल, तो देखो मैंने दोनों तरह से बता दिया, मैंने आपको 1 इधर लिख भी दिया, इधर नहीं भी लिखा, इधर बोलो क्या है आपका, प्रोपेन 1 नाइट्राइल, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। नाइट्राइल क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि CN का मैंने कार्बन मेन चेन में इंक्लूड किया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, बोलो क्या आया, बहुत आसान है, ब्यूटेन नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल लिख लो या नाइट्राइल लिख लो, बात एक ही है। अब देखो ध्यान से सुनना कि देखो फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है CN, 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 देखो कार्बन के साथ में इधर भी कार्बन बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के साथ में इधर भी क्या बॉन्ड बना रहा है आपका, कार्बन के साथ क्या बॉन्ड बना रहा है आपका, कार्बन। तो बोलो यार 1 2
तीन। अभी ध्यान से सुनना, CN का जो आपका कार्बन है वो मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, ठीक है? तो बोलो क्या आएगा? साइक्लोप्रोपेन 1, 2, 3 देन ट्राई। और देखो इसका सफिक्स क्या था आपका? कार्बोनाइट्राइल। तो बोलो मैं क्या लिखूं? ट्राई कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है? गुड, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये आपका बेंजीन है, ये वाला कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड नहीं है। तो बोलो क्या आएगा? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। आप बन को लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बेंजीन बन कार्बोनाइट्राइल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब देखो ध्यान से इधर सुनना कि देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका CN साइनाइड या नाइट्राइल। तो बोलो किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी? आपको पता सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है। तो बोलो 1, 2, 3। क्लियर है? अब देखो ये काम करेगा आपका सफिक्स की तरह, और ये काम करेगा आपका प्रीफिक्स की तरह। अगर इसका प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो इसका प्रीफिक्स बताओ क्या है? तो यार देखो इसका प्रीफिक्स है आपका साइनो। तो बोलो 3 पे क्या है आपका? साइनो। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में 1, 2, 3 तीन कार्बन पर क्या आता है एसिड में? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अभी देखो एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो कार्बन के साथ में कार्बन बॉन्ड बनाया साइनाइड, ये मैंने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया। कार्बन नाइट्रोजन के साथ में कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, ठीक है। ध्यान से सुनना, प्रीफिक्स क्या है? साइनो। सफिक्स क्या है? नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल कब इस्तेमाल करेंगे? जब ये वाला कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड हो। कार्बन, ठीक है, जब नहीं इंक्लूड होगा तो कब क्या इस्तेमाल करना है? कार्बोनाइट्राइल। आयुपैक नेम एल्केन नाइट्राइल, ठीक है, एल्केन कार्बोनाइट्राइल। एक कार्बन मीथेन बन नाइट्राइल, इथेन बन नाइट्राइल, प्रोपेन बन नाइट्राइल, ठीक है, और ब्यूटेन बन नाइट्राइल। आप बन को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। अभी देखो ये वाले जो आपके जो CN फंक्शनल ग्रुप है, ये आपके मेन चेन में इंक्लूड नहीं है। अगर मेन चेन में इंक्लूड नहीं होते तो कार्बोनाइट्राइल हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखो क्या है? साइक्लोप्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अभी इधर देखो ये बेंजीन, ये इंक्लूड नहीं है, तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजीन बन कार्बोनाइट्राइल। ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। इसकी प्रायोरिटी कम है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ये सफिक्स की तरह काम करेगा, मतलब लास्ट में ऐड होगा। और ये कैसे काम करेगा? आपका प्रीफिक्स की तरह, ठीक है। तो देखो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो बर्ड रूट से पहले लिखे जाते हैं। तो देखो बर्ड रूट कितने कार्बन की? इधर 3 कार्बन की, 1, 2, 3। तो बोलो इसका सफिक्स क्या आपका जब इंक्लूड होगा कार्बन? तो ओइक एसिड। अब देखो ध्यान से, 3 पे क्या है आपका? साइनो। तो 3 पे साइनो लिख दिया। उसके बाद में क्या आया आपका? प्रोपेनोइक एसिड। तो दोस्तों इसी के साथ में ये आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर खत्म होता है। तो देखो इस लेक्चर का जो भी समरी था, जो मेन था, बस यही था कि आपको हर एक फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स एंड सफिक्स आपको पता होना चाहिए, बस उसी का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। और देखो मैंने आपको एक टेबल बताई थी किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, किसकी कम प्रायोरिटी हो, तो उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आपको रूल आपको पता ही है कि फंक्शनल ग्रुप को आप हाइयर प्रायोरिटी दो, बाकी जो भी आपके जो साइड चेन है उसको आप लोअर प्रायोरिटी दो। तो देखो कैसे चलेंगे हम प्रायोरिटी के हिसाब से, पहले फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, देन आपका साइड चेन। तो ये आपका ऑर्डर है, याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया। और देखो इस लेक्चर में बहुत सारी मैंने ऐसी भी बातें बताई हैं कि कंपाउंड के मैंने आपको कॉमन नेम बताए, तो उनको आप एक सेपरेट पेज पे लिख लेना, अच्छे से पढ़ना, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो यार जुनून के साथ में पढ़ो, ऐसे जुनून के साथ में पढ़ो कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कुछ भी डाउट आ रहा है तो वो क्लैरिफाई होना चाहिए, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, हर एक पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए। तो यार अच्छा है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए आप अच्छे से जी जान लगा के पढ़ें। धन्यवाद।